साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने स्थिर वैद्युत क्षेत्र इकाई के कई सारे टॉपिक को कवर किया है और आज हम इस वीडियो में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वैद्युत बल रेखा पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए साथियों, आपको बताना है, आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमा। अर्थात आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और उसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये आपको कमेंट में जरूर देना है। तो साथियों, चलिए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के आवेश लगभग वैद्युत क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। एक हमारा धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। साथियों, यदि दो आवेशों को दूर दूर रखा जाए, क्या किया जाए, यदि दो आवेशों को दूर दूर रखा जाए तो उन पर एक निष्कोण वक्र बनता है जो कि काल्पनिक होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक निष्कोण वक्र बनता है, मतलब उसमें कोई निश्चित कोण नहीं होता है, वह किसी भी कोण का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक धनात्मक आवेश रखें तो इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से निकलती हैं। याद रखिएगा, यदि आपका धनात्मक आवेश है तो उसमें से वैद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी और यदि ऋणात्मक आवेश है तो उस पर एकत्रित होगी। जैसे देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई धनात्मक वैद्युत आवेश है तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर को सभी दिशाओं में समान रूप से निकलेंगी। साथियों, इनका कोण कोई निश्चित नहीं होता है या निष्कोण होते हैं। अब मान लीजिए हमारा ऋणात्मक है कोई आवेश, जैसे मान लीजिए ये ऋणात्मक आवेश रख दिया गया तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, इसी आवेश पर इकट्ठा होंगी। अर्थात जो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो इसी आवेश पर इस तरह से एकत्रित हो जाएंगी। अब मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो किस प्रकार से होगा देखिएगा साथियों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनकी दिशाएं लगभग इस तरह से होंगी, ये आगे को बिना कहीं कोण बनाते हुए। अर्थात जो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो कुछ इस प्रकार निकलेंगी। तो दोस्तों, ये हो गई वैद्युत बल रेखाएं, कुछ वैद्युत बल रेखाओं का चित्र द्वारा आपको समझाया गया। तो लगभग यदि दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक, तो आप जानते हैं कि जो ऋणात्मक आवेश होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, और जो धनात्मक आवेश रहता है वहां से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो हमारे धनात्मक आवेश से निकलते हुए वो कहां पर इकट्ठा हो रही हैं, ऋणात्मक आवेश पर। अब यहां से धनात्मक आवेश से निकलती हैं और इकट्ठा कहां होती हैं, ऋणात्मक आवेश पर। कहां पर इकट्ठा होती हैं, ऋणात्मक आवेश पर। अब मान लीजिए हमारे पास दो धनात्मक आवेश हो जाए, जैसे मान लीजिए एक धनात्मक आवेश हो जाए और दूसरा भी धनात्मक आवेश हो जाए, तो उस स्थिति में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा कैसी होगी, इसको हम देखते हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, देखते हैं यदि हमारे पास दो आवेश हैं, धनात्मक दोनों आवेश हैं, तो किस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं।
तो साथियों हमने बताया कि सभी दिशाओं में समान रूप से निकलती हैं, तो मान लीजिए यहां से कोई इस दिशा में निकल गई, विद्युत बल रेखा है, कोई इस दिशा में निकल गई, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से निकली और इधर से भी निकली, तो ये आपस में प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या होती हैं, बाहर को चली जाती हैं, ये इधर को चली जाएगी और ये इधर को चली जाएगी। और साथियों आपको बता दूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनका ये नियम है कि वो कभी एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। क्या होता है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कहीं भी काटती नहीं है। साथियों इन सब पॉइंट को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आपकी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो हमारे पास अब जैसे ये यहां से निकली थी, ये यहां से निकली थी, तो दोनों प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या हुई, बाहर को चली गई। अब मान लीजिए हमारे पास यहां से कोई विद्युत बल रेखा निकलती है इस तरीके से, तो वो बाहर फिर चली जाएगी। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो धनात्मक आवेश होते हैं उसमें से क्या होती है, बाहर को सभी दिशाओं में समान रूप से निकलती हैं, और जो ऋणात्मक आवेश होता है वहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इकट्ठा होती है, अर्थात उस पे इकट्ठा होती है। और साथियों ये कंडीशन रहती है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कहीं काटती नहीं है। किसी भी अवस्था में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तो अब अगर यदि अब बात की जाए वैद्युत बल, साथियों यदि अब बात की जाए वैद्युत बल रेखा की परिभाषा की, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यूपी बोर्ड से हैं और आपको प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखा की परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा बताना अनिवार्य है, इसलिए अब हम परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा हमारा हो जाएगी, बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र में निरंतर गति करता रहता है। क्या हो जाएगा साथियों, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र में गति करता है। साथियों लिख देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी अपने नोट्स में लिखने के लिए। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र में गति करता रहता है, तो साथियों एक बात की जाए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र में गति करता है। अब साथियों इसी में एक प्रश्न बनाया जा सकता है जो कि आपको बता दूं कि 2018 में पूछा जा चुका है। 2018 में प्रश्न ये आया था कि वैद्युत बल रेखा की परिभाषा दीजिए, वैद्युत बल रेखा की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। तो साथियों अब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को देखेंगे। क्या देखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो साथियों मुख्यतः इसके तीन गुणों को हम देखेंगे। पहला साथियों वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला हो जाएगा कि जो वैद्युत बल रेखा है वो
धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर एकत्रित होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं? इकट्ठा होती हैं या एकत्रित होती हैं। साथियों हमारा पहला गुण हो जाएगा वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर एकत्रित होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर एकत्रित होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र में गति करता है। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात की जाए तो पहला गुण हो जाएगा वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर एकत्रित होती हैं। अब दूसरे गुण की बात की जाए तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे धनात्मक आवेश है, यहाँ पे ऋणात्मक है, कोई यहाँ से थी। अब ये जो वैद्युत बल रेखा है इसके किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्या खींची जाती है? स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लीजिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, तो जो ये स्पर्श रेखा खींची जाएगी यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या चीज? किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है या उसके वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है या दर्शाती है, उसके वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, उसके वैद्युत क्षेत्र को क्या करती है? दर्शाती है। अब साथियों यदि हम तीसरे गुण की बात करें तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। किसी भी अवस्था में जो वैद्युत बल रेखा होंगी वो एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। तो हमारा तीसरा गुण और लास्ट गुण हो जाएगा वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में काटती नहीं है। साथियों एक बार फिर से देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं का जो गुण है उसमें पहला है वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर इकट्ठा होती हैं या एकत्रित होती हैं। साथियों आपको हम बता दें यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ाई का मजा नहीं आएगा। साथियों जो दूसरा गुण है वैद्युत बल रेखा का वो ये कहता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो किसी भी मतलब मान लीजिए कोई वैद्युत बल रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी किसी भी बिंदु पर
वह उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। साथियों तीसरे नंबर पर जो गुण आता है वो ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में काटती नहीं है। किसी भी अवस्था में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। साथियों तो आज की वीडियो यहीं तक। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो अपनी परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।